नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी यूरोप की महान यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। इसमें बात करेंगे हम लोग एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में। याद रखिए, मैप्स से संबंधित आपके जितने भी लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, तो एशिया की चलिए पहले अवस्थिति देखते हैं कि एशिया आखिर है कहाँ आपका मानचित्र में। ठीक है, तो ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, ये है आपकी प्यारी पृथ्वी। इसमें आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये ऊपर ग्रीनलैंड है, ये अफ्रीका है, और ऊपर ये यूरोप है। ठीक है, रूस, तुर्की, ये कुछ देश यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं। आपका ये ऑस्ट्रेलिया भी है नीचे। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को बात करनी है एशिया के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा भारत के बारे में देख लेते हैं। आपका भारत है प्यारा, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर है, ये आपका श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी है, ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, ये म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है। ठीक है, इन सभी देशों से भारत की सीमा लगती है। अब एशिया की बात करें हम लोग, तो जैसा कि आपको पता होगा, एशिया में आपका ऊपर से देखते हैं रूस आ जा रूस आता है, रूस यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। आपका कजाकिस्तान है, तुर्की है, यहीं साइप्रस है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, मंगोलिया, इसमें आपका उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। ठीक है, और नीचे चलें तो ये ताइवान, फिलीपींस, फिर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये म्यांमार है आपका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये जकार्ता यहाँ। ठीक है, पूर्वी यहाँ तक न्यू गिनी तक है। ठीक है, ये अपना पूरा एशिया। तो ये याद रखिए, यहाँ ये थाईलैंड की खाड़ी है, ये सेलेवस सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है जो विवाद चलता रहता है, न्यूज में बना रहता है, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, नीचे आए तो यहाँ बांडा सागर, तिमोर सागर। ठीक है, ऊपर चले तो ये प्रीत सागर, जापान सागर, ओकोटस्क सागर है ऊपर, ठीक, बेरिंग, ये बेरिंग सागर है, पूर्वी साइबेरियाई, और यहाँ है तो ये कैस्पियन सागर लगा हुआ है आपका। ठीक है, ये है हमारा एशिया। चलिए तो इसकी नदियों की अवस्थिति देखते हैं कि आखिर ये नदियां हैं कहाँ आपकी। ठीक है, क्या देखना है, एशिया की प्रमुख नदियों की अवस्थिति देखना है। ये है हमारा एशिया, देखिए ये है सभी नदी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं ऊपर से, फिर उससे, ये है आपकी कौन सी, कोरी, ये आपकी कोलीमा नदी। ठीक है, कोलीमा नदी के बारे में आपको याद रखना है कि पूर्वी रूस में बहने वाली यह नदी पूर्वी साइबेरियाई सागर में गिरती है, पूर्वी साइबेरियाई सागर है यहाँ। ठीक है, कोलीमा नदी आपकी रूस से निकलती है, पूर्वी रूस में बहती है, और यह नदी पूर्वी साइबेरियाई सागर में गिरती है। फिर आपकी ये आमूर नदी है, ये है आमूर नदी, कौन सी, आमूर नदी। आमूर नदी के बारे में आप याद रखना है कि मंगोलिया की पठार से निकलने वाली सिका व आर्गून नदी के संगम से आमूर नदी का उद्गम होता है। आमूर नदी पूर्व की ओर बहती हुई चीन तथा रूस की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2824 किलोमीटर। रूस के चीता, खबारोस, कोम्सो मोलस्क,
नगर इसके तट पर हो स्थित है। आमूर नदी अपना जल ततारी की खाड़ी में, यहाँ ये ततारी की खाड़ी है, ततारी की खाड़ी में गिराती है। चीन में से लांग खियांग के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग लीना नदी, ये है अपनी लीना नदी, ये है आपकी लीना नदी। लीना नदी के बारे में याद रखना है आपको, रूस स्थित बैकाल झील से निकलने वाली है। कहाँ से निकलती है? बैकाल झील से निकलकर लीना नदी उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह अपने मुहाने पर दलदल बनाती है। यह रूस की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, फिर है आपकी इनेसी नदी। कौन सी? इनेसी नदी, यह है आपकी इनेसी नदी। इनेसी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि मंगोलिया के पर्वतों से निकलकर साइबेरिया में उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती है। तुंगस्का, अंगारा आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। फिर नीचे आए तो हम लोग, यह है आपकी आबे नदी, सॉरी ओब नदी, ओब नदी। ठीक है, कौन सी? ओब नदी। ओब नदी के बारे में आपको याद रखना है, इसका उद्गम अल्ताई पर्वत से होता है। ओब नदी का अल्ताई पर्वत से होता है। यह रूस के पश्चिमी साइबेरियाई प्रदेश में बहते हुए ओब की खाड़ी, कहाँ? ओब की खाड़ी में गिरती है। एरटिस नदी इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? एरटिस नदी। यह एरटिस नदी ओब नदी की सहायक नदी है। तो एरटिस नदी के बारे में भी आप लोग याद रखिए कि एरटिस नदी है जो आपकी, यह अल्टाई पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई एरटिस ओब नदी की सहायक नदी है। इसमें मिल जाती है ओब नदी में। साइबेरिया का मुख्य नगर ओम इस नदी के तट पर अवस्थित है। यह नदी कम जनसंख्या के क्षेत्र से बहती है। कठोर सर्दी में इसमें बेसिन का आर्थिक विकास करने में रोधक है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग तरिम नदी। कौन सी? ये आपकी तरिम नदी है चीन में, और यही तरिम नदी हांगकांग नदी, ये आपकी चीन में ही हांगकांग नदी भी है। और फिर है आपकी यांग तीसी क्यांग नदी, यांग यांगसी क्यांग नदी, ये है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए आप, यांगसी क्यांग नदी, ये नदी चीन की सबसे लंबी तथा मुख्य नदी है। कौन सी? यांगसी क्यांग नदी। तिब्बत के बठार से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। कहाँ? प्रशांत महासागर में गिराती है। इसकी लंबाई है 6,300 किलोमीटर, यानी कि 6,300 किलोमीटर। इस नदी पर थ्री गार्जेट डैम बनाए गए हैं। ठीक है, फिर बात करें हम लोग तो सिक्यांग नदी, ये आपकी सिक्यांग नदी है। कौन सी? सिक्यांग नदी। फिर बात करें नीचे आते हैं तो ये आपकी मैकांग नदी है। कहाँ है? ये है मैकांग नदी है। ये पूर्वी तिब्बत के तांग कूला सैनी से निकलकर चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के लाओस तथा म्यांमार सीमा, लाओस तथा थाईलैंड सीमा, कंबोडिया तथा दक्षिणी वियतनाम से बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। कहाँ? दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। यह हिंद चीन की सबसे लंबी नदी है, जिसके डेल्टा में धान की अच्छी कृषि होती है। इसी नदी पर तट पर कंबोडिया की राजधानी नोम पिने अवस्थित है। फिर है कापुआ नदी। कौन सी? यह है आपकी कापुआ नदी। यहाँ कापुआ नदी है। कहाँ है? ये बह रही कापुआ नदी। कापुआ नदी जो है ये पश्चिमी बोर्नियो, पुराना नाम इसका काली मंतान है, मैं एक नदी जो बोर्नियो के कापुआ पर्वत से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, फिर बात करें तो चाओ फ्रेया। कौन सी? चाओ फ्रेया।
ये है चाओ फ्रेया। इसके बारे में याद रखिए आप लोग, चाओ फ्रेया जो नदी है, इस नदी का उद्गम स्पिंग एवं नाम नदी के संगम से होता है। यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नदी थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टाई क्षेत्र चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर बात करते हम लोग सालवी नदी। कौन सी? ये आपकी सालवी नदी। सालवी नदी जो सालवी नदी है, ये आपकी चीन में इसे नूचियांग तथा थाईलैंड में मोय नामखोंग कहा जाता है। यह पूर्वी तिब्बत के तांग कूला शान से निकलकर चीन के जेचवान तथा यूनान प्रांतों में से बहती हुई म्यांमार के शान राज्य से होती हुई थाईलैंड बर्मा सीमा के सहारे बहती है। 2419.35 किलोमीटर लंबी है। यह नदी मर्तवान की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये थी सालवीन नदी। फिर है आपकी इरावदी नदी। कौन सी? इरावदी नदी। ये है आपकी इरावदी नदी। इरावदी नदी के बारे में याद रखना है, यह मध्यवर्ती म्यांमार में प्रवाहित होने वाली एक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी सालवीन थी। ठीक है, याद रखना, ये थी सालवीन और ये है आपकी इरावदी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी उत्पत्ति माली व नमाई नदियों के संगम से होता है। म्यांमार की पूर्व राजधानी यंगून के पास यह बड़ा डेल्टा बनाती है। चिनमेन इसकी मुख्य सहायक नदी है, जो मांडले से 96 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इरावदी में मिलती है। मांडले जेल में लोकमान तिलक को रखा गया था, आपने सुना होगा। इसे म्यांमार की गंगा कहते हैं, इरावदी नदी को। ठीक है, फिर आते हैं अपने भारत की प्यारी नदियों पर। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम आपका तिब्बत से होता है। कहाँ से? तिब्बत से होता है और यांगत्सी ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? तिब्बत से यांगसी ग्लेशियर से होता है। भारत में प्रवेश करने से पूर्व से सांगपो नाम दिया जाता है। भारत में नामचा बरवा के निकट, कहाँ? नामचा बरवा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश व असम में बहती हुई, अरुणाचल प्रदेश से असम में बहती हुई यह धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये आपका बांग्लादेश है यहाँ। ठीक, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना नाम दिया गया। यह नदी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह मेघना नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तत्पश्चात इसका नाम मेघना हो जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, फिर आपकी गंगा नदी। यह है आपकी गंगा नदी भारत में। तो गंगा नदी के बारे में आपको याद रखना है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड की गंगोत्री हिमनद से होता है। यह नदी पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम पद्मा हो जाता है। इसका निर्माण भागीरथी व अलकनंदा के संगम से होता है और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ है। यह पौराणिक दृष्टि से काफी पवित्र नदी है। ठीक है, फिर बात करते हैं गोदावरी। ये भारत में ही गोदावरी नदी है आपकी। गोदावरी नदी है जो यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आपकी ये सिंधु नदी है ऊपर। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी इसका उद्गम तिब्बत से होता है, यहाँ से तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट बोर खचू हिमनद से होता है। झेलम, चेनाब, रावी व्यास, सतलज, काबुल आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी? 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर। यह पाकिस्तान की प्रमुख नदी है और इस यह मिलती किससे? अरब सागर से। यहाँ अरब सागर से मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करें तो यह हेलमंद नदी। कौन सी? हेलमंद नदी।
पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है, के पास। फिर आमू दरिया नदी, आमू दरिया नदी, ये आपकी आमू दरिया नदी है। इसके बारे में आपको याद रखना है, आमू दरिया नदी के बारे में। मध्य एशिया में बहने वाली इस नदी की लंबाई 2541 किलोमीटर है। पामीर के पठार से निकलकर यह नदी अफगानिस्तान तथा तजाकिस्तान की सीमा बनाते हुए उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान की सीमा से बहती हुए अरल सागर में, कहाँ, अरल सागर में अपना जल गिराती है। इससे निकाली गई नहरों के द्वारा तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थलीय भाग में सिंचाई होती है। फिर आपकी सियर दरिया नदी, या आपकी सियर सियर दरिया नदी, कौन सी, सियर दरिया नदी, तियान शान पर्वत से निकलकर, कहाँ से, तियान शान पर्वत से निकलकर यह उज्बेकिस्तान से बहती हुई सियर दरिया अपना जल अरल सागर में, कहाँ, अरल सागर में गिराती है, ठीक है, अरल सागर में गिराती है। इसका अधिकतर जल नहरों का जाल बिछाकर किजिल कुम मरुस्थल की सिंचाई के काम में उपयोग किया जाता है। ये आपकी यूराल नदी है, कौन सी, यूराल नदी, ठीक है। यूराल नदी है जो, इस नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है, कहां से, यूराल पर्वत से होता है। यह रूस तथा कजाकिस्तान में बहते हुए कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, कहां, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। यह एशिया और यूरोप की सीमा पर बहती है, ठीक है। फिर आपकी कार, ऊपर हो ही गई सब नदी, ये आपकी कारू नदी, कारू नदी, कारू नदी के बारे में आपको याद रखना है, क्या रखना है, कि कारो नदी है आपकी, ये नदी उद्गम जावोस पर्वत से होता है, कहां से, जावोस पर्वत से उद्गम होता है इसका, और यह ईरान की प्रमुख नदी है। यह फारस की खाड़ी में गिरती है। ईरान का आबादान शहर इसी नदी के तट पर है। फिर आपकी ये दजला नदी, दजला, दजला नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो दजला नदी है आपकी, या इसे दजला नदी या टिग्रिस नदी, तुर्की के टॉरस पर्वत के हजर झील से निकलकर सीरिया एवं इराक से बहती हुई दजला नदी फारस की खाड़ी में, कहाँ, फारस की खाड़ी में गिर जाती है, अपना जल गिराती है। ईरान के मोसुल, बगदाद, बसरा नगर इसके तट पर अवस्थित है। फरात नदी इसकी मुख्य नदी है, कौन सी, ये फरात नदी है आपकी, ठीक है, फरात नदी इसकी मुख्य नदी है। फरात नदी के बारे में भी यही रख लीजिए आप, इराक की मुख्य नदी है जो तुर्की के पर्वतों से निकलकर सीरिया इराक में बहती हुई दजला नदी में बसरा नगर के पास संगम करती है। दजला के साथ संगम बनाने के पश्चात यह नाम, इसका नाम सत अल अरब पड़ जाता है। यह अपना जल फारस की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है, और सीरिया के लिए यह पेयजल और सिंचाई का मुख्य साधन है। फिर आपकी ये जॉर्डन नदी है, कहाँ, ये जॉर्डन नदी है, ठीक। तो ये थी हमारे एशिया की प्रमुख नदियां, ठीक है। अब इनके प्रमुख तथ्य देख लेते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक। इरावदी नदी, यह इरावदी नदी मध्यवर्ती म्यांमार में प्रवाहित होने वाली एक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी उत्पत्ति मालीबार नमाई नदियों के संगम से होती है। म्यांमार को पूर्व राजधानी यंगून के पास यह बड़ा डेल्टा बनाती है। चिन्दविन इसकी मुख्य सहायक नदी है जो मांडले से 96 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी इरावदी से मिलती है। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को रखा गया था। इसे म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है। कापुआ नदी, पश्चिमी बोर्नियो, पुराना नाम है इसका कालीमंतान, में एक नदी जो बोर्नियो के कापुआ पर्वत से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। फिर आपकी चिंदविन नदी,
पश्चिम में म्यांमार में बहने वाली नदी जो इरावदी नदी की मुख्य सहायक नदी है, चिंदविन कुमन श्रेणी से निकलती है। फिर है आपकी मेकांग नदी, पूर्व तिब्बत के तांग कूला श्रेणी से निकलकर चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई हिंद चीन के लाओस तथा म्यांमार सीमा, लाओस तथा थाईलैंड सीमा और कंबोडिया तथा दक्षिणी वियतनाम से बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यह हिंद चीन की सबसे लंबी नदी है जिसके डेल्टा में धान की अच्छी उपज होती है, कृषि होती है। इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नोम पेन अवस्थित है। फिर है आपकी सालविन नदी, चीन में से नू चियांग तथा थाईलैंड में मोय नाखोंग कहा जाता है। यह पूर्वी तिब्बत के तांग कूला शान से निकलकर चीन के जेचवान तथा यूनान प्रांतों से बहती हुई म्यांमार के शान राज से होते हुए थाईलैंड बर्मा सीमा के सहारे बहती हुई 2419.35 किलोमीटर लंबी एक नदी जो मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। अगली है हमारी आमू दरिया नदी। मध्य एशिया में बहने वाली इस नदी की लंबाई 2541 किलोमीटर है। पामीर के पठार से निकलने वाली यह नदी अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा बनाते हुए उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान की सीमा से बहती हुई अरल सागर में अपना जल गिराती है। इससे निकाली गई नहरों के द्वारा तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थल भाग में सिंचाई होती है। फिर है आपकी दजला या टिग्रिस नदी। तुर्की के टोरस पर्वत के हजर झील से निकलकर सीरिया इराक से बहती हुई दजला नदी फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इराक के मोसूल बगदाद बसरा नगर इसके तट पर अवस्थित हैं। फरात नदी इसकी मुख्य नदी है। फिर बात करते हैं यांगतिसी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी तथा मुख्य नदी है। तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। यह नदी थ्री गार्जेज डैम बनाए गए हैं इस पर। फिर है आपकी सियर दरिया नदी, त्यान शान पर्वत से निकल कर यह उज्बेकिस्तान से बहती हुई सियर दरिया अपना जल अरल सागर में गिराती है। इसका अधिकतम जल नहरों का जाल बिछाकर किजिल कुम मरुस्थल की सिंचाई की कार के लिए उपयोग हो जाता है। फिर है आमूर नदी, मंगोलिया के पठार से निकलने वाली सीका व आरगू नदी के संगम से आमूर नदी का उद्गम होता है। आमूर नदी पूर्व की ओर बहती हुई चीन तथा रूस की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई है 2824 किलोमीटर। रूस के चीता खबारोस्क कोमोसोमोल्स नगर के तट पर अवस्थित है। आमूर नदी अपना जल ततारी की खाड़ी में गिराती है। चीन में इसे लांग सियांग के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थिति हम लोगों ने देखी ली थी सभी नदियों की। यह कामा नदी रूस की नदी जो यूक्रेन के उच्च भाग से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बोलगा नदी के साथ संगम बनाती है। इस नदी इसके संगम पर कजान नगर बसा हुआ है। फिर फरात नदी, फरात नदी है जो आपकी इराक की मुख्य नदी है जो तुर्की की पर्वतों से निकलकर सीरिया इराक में बहती हुई दजला नदी में बसरा नगर के पास संगम करती है। दजला के संगम बनाने के पश्चात इसका नाम सत अल अरब पड़ जाता है। यह अपना जल फारस की खाड़ी में गिराती है। सीरिया के लिए पेयजल और सिंचाई का मुख्य साधन भी है। फिर है एलो नदी, एशिया की दूसरी बड़ी नदी। इसकी लंबाई है 5464 किलोमीटर। इसका उद्गम किंघाई प्रांत के बयान हर पर्वत से होता है। यह बोहाई की खाड़ी में गिरती है। हॉन्ग हो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को चीन का सोक कहा जाता है। ठीक क्वेश्चन। फिर अगला है एनेसी नदी, मंगोलिया के पर्वतों से निकलकर साइबेरिया में उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती है। तुंगस्का अंगारा आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है आपकी इर्टिस नदी, अल्टाई पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई इर्टिस ओम नदी की सहायक नदी है। साइबेरिया का मुख्य नगर ओमस्क इस नदी के तट पर अवस्थित है। इस नदी कम जनसंख्या के क्षेत्र से बहती है,
कठोर सर्दी इसके बेसिन का आर्थिक विकास करने में रोधक है। यूरोल नदी, इसका इस नदी का उद्गम यूरोल पर्वत से होता है। ठीक, यह रूस तथा कजाकिस्तान के में बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है, एशिया एवं यूरोप की सीमा पर बहती है। ठीक है, फिर आपकी ओब नदी, इसका उद्गम है अल्ताई पर्वत से, यह रूस के पश्चिमी साइबेरिया प्रदेश में बहते हुए ओब की खाड़ी में गिरती है। एरेट्स नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर चाओ फ्राया नदी, इस नदी का उद्गम पिंग एवं नान नदी के संगम से होता है। यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसी नदी के किनारे अवस्थित है। यह नदी थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टा क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपकी लीना नदी, रूस स्थित बैकाल झील से निकलने वाली लीना नदी उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। यह अपने मुहाने पर दलदल बनाती है। रूस की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। फिर कोलिमा नदी, पूर्वी रूस में बहने वाली यह नदी पूर्वी साइबेरियाई सागर में गिरती है। फिर आपकी कारोन नदी, इस नदी का उद्गम जागरोस पर्वत से होता है। यह ईरान की प्रमुख नदी है, फारस की खाड़ी में मिल जाती है। ईरान का आबादान शहर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। फिर अपनी ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम है जो तिब्बत यांगसी ग्लेशियर से होता है, भारत में प्रवेश करने से पूर्व से सांगपो नाम से जाना जाता है। भारत में नामचा बरवा के निकट अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश व असम में बहती हुई धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना नाम से जाना जाता है। यह नदी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन। यही मेघना नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तत्पश्चात इसका नाम मेघना हो जाता है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर आपकी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। यह नदी पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसका नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम भागीरथी, इसका निर्माण भागीरथी व अलकनंदा के संगम में उससे होता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ है। यह पौराणिक दृष्टि से काफी पवित्र नदी मानी जाती है। फिर है आपकी सिंधु नदी, इसका उद्गम है तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट बोरकचू हिमनद से, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज काबुल आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, फिर गोदावरी नदी, यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये थी हमारी एशिया की प्रमुख नदियां। आगे हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है।